हाँ जी, कैसे हो आप सब? आप सोचोगे निधि, मतलब काफी टाइम से देख रहे हो आप मेरी वीडियोस में, मैं काफी अपसेट लग रही थी 3-4 दिन से, बट मैंने कहा निधि कोई ऐसे बात नहीं बनेगी, कोई फायदा नहीं है, तुझे उठना पड़ेगा। और आज देखो मैंने सर को फोन मिलाया था, कई दिन से मेरी बात हो रही थी, मैंने आपको बताया है कि मैं कुछ सोच रही हूँ आगे फ्यूचर में, तो मैंने सर को बुलाया। आप सर को जानते ही होंगे, ये काफी अच्छे प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, प्रॉपर्टीज दिलवाते हैं बिल्कुल बढ़िया वाली, तो मतलब थोड़ी जान पहचान में है तो थोड़ा भरोसा होता है ना कि नहीं अच्छा दिलवा देंगे। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर एक प्रॉपर्टी मुझे भी दिलवा दो, तो सर बोलते एक है जो कि बिकाऊ है, जल्दी मतलब उसपे 2-3 ग्राहक है, तो मैंने कहा मुझे दिखा दो आप। बता रहे थे कि हाँ अच्छी है, तो मैंने कहा चलो मैं तो जरूर देख के आऊंगी, क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं, कोई चीज पसंद नहीं आएगी, तब तक मेहनत भी करने का मन नहीं करता ना। जब तक लाइफ में एक एम हो जाएगा कि नहीं निधि ये चीज चाहिए, तो इसके लिए मेहनत करनी है, तो इसलिए आज मैं आई हूँ। और सर पे मुझे भरोसा है, सर अच्छा ही दिलवाते हैं, मतलब पूरा मुझे लगता है सर काफी ईमानदार है, काफी ऑनेस्ट है, तो कुछ बोलना चाहोगे सर आप? बस यही कहना चाहूँगा कि मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं कस्टमर को साफ सुथरी डील दूँ, और जो भी डील उसको दूँ उसमें ज़्यादा तरक्की हो। जो भी फ्लैट है निधि जी को मैंने एडवाइस किया था कि ये आप ही ले लो, तो जैसे आए थे, मेरा प्रयास ये रहता है कि हाँ मैं जो भी मेरे पास आए मैं कि वो ताऊ में मेरे साथ जुड़ा रहे, फेयर डील करूँ, और एक मतलब कस्टमर के बजाय एक फ्रेंडली सर्कल बनाऊँ, मतलब मैं सबके रिलेशन में रहे, ताकि सबका, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी भला हो, सबका भला हो। सही बात है। नहीं सर ने ही मुझे बोला था, मैं जैसे वहाँ पे नजदीक में जैसे सर का है ना, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का उसके साथ में ही शॉप है, तो मैं वहाँ सामान लेके आती जाती थी, तो मैंने एक दो बार सर से भी पूछा, मैंने कहा सर कुछ बताना कभी कुछ हो, तो सर ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि नहीं ऐसे ऐसे फ्लैट्स निकले हुए अब उसकी बोली लगेगी, तो आप जरूर भरो। तो मैंने भरा, तो मेरे को तो लगता है सर की किस्मत की वजह से सर ने मुझे इतना अच्छे से गाइड किया उस टाइम कि मैं ले पाई। तो आप सबको भी मैं बोलती हूँ कि कॉमेंट्स में सर को थैंक यू बोल देना, मैंने तो थैंक यू बोला ही है। और आज सर मुझे एक और प्रॉपर्टी दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर कुछ ऐसा दिलवा दो जो जमीन से मेरा हो जाए, मतलब मैं विहान के लिए कुछ कर पाऊं, तो सर बोलते कि चलो आज हम दिखा के आते हैं, साइट पे लेके चलते हैं। तो आज सर मुझे लेके जा रहे हैं, देखते हैं जगह, मैं आपको भी दिखाऊंगी जो पसंद आती है कैसी है, फिर हम देखते हैं डिसाइड करते हैं। एक्चुअली ना मैं काफ़ी टाइम से ना एक प्रॉपर्टी खुद के लिए, अपने बच्चे के लिए खरीदना चाह रही थी, क्योंकि मेरा ना एक सपना है कि मैं अपने बच्चे के लिए मतलब ज़मीन से लेके एक अच्छा घर बनाऊं। तो यहाँ पे ना मैंने सर से काफ़ी दिनों से मेरी बात चल रही थी, मैं इनको कह रही थी कि कुछ मतलब हो आपकी नज़र में अच्छी प्रॉपर्टी हो तो आप मुझे दिलवा दो। तो ये देखिए मैं आपको रास्ता भी दिखा रही हूँ, रोड्स दिखा रही हूँ, जो प्रॉपर्टी इन्होंने सर ने मुझे दिखाई है, तो उसकी कुछ रोड्स इस तरीके की हैं, तो रोड्स तो देखो काफ़ी अच्छी है, आप खुद देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सर के पास जा रही थी, मतलब सर मतलब बता रहे थे, बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छी, आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वैल्यू देगा ये प्लॉट आपको। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो शाम का टाइम था, और ना सर भी मैंने बोला ना सर मेरे को आज ही दिखा लाओ, तो मैंने बोलते ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे घर भी बने हुए हैं, मतलब ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग रहते हैं, और आने वाले टाइम में कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बसत हो जाएगी, लोग रहेंगे। तो ये देखो घर भी बने हुए हैं काफ़ी सारे यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ घर आप देख सकते हो, एरिया भी आप देख सकते हो किस तरीके का है। तो ये घर करीबन मेरे को ना 7,000 गज का हिसाब से है, देख लो एक गज यहाँ पे 7,000 का रेट चल रहा है इस टाइम, तो मुझे तो ठीक लग रहा है। बाकी आप भी देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लग रहा है, आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या होगा। बट हाँ इतना मैं आपको बता देती हूँ, अभी यहाँ पे ना पानी का अरेंजमेंट नहीं है, जैसे पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इसमें मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगी, क्योंकि जब मैं नजफगढ़ में रहती थी वहाँ पर भी पानी का मतलब जो सीवेज वगैरह का सिस्टम था वो अभी शुरुआत में ही हुई थी, जैसे मैं सनी और का जैसे घर था वहाँ पे भी समर सीवर लगा हुआ था हर जगह पे, मतलब जमीन का पानी यूज किया जाता था, तो यही बात चल रही थी यहाँ पे। ये जमीन यहाँ सामने है, तो जी यहाँ पे आपने देख लिया है, मैंने अभी यहाँ पे सर ने दिखा दिया है, ये जो एरिया इधर का जो एरिया इधर बताया है 111 गज का है प्लॉट है, और मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं है मतलब मेन शहर से, और कितना होगा किलोमीटर मेन हिसार से 1.5 किलोमीटर है, तो टिपिकल बिल्कुल गांव में भी नहीं है और बिल्कुल शहर में भी, मतलब शहर के ज़्यादा नज़दीक लगता है, तो मुझे वैसे तो सही लग रहा है इस मामले में तो काफ़ी। और चलो बात करते हैं इतने सर से, तो फिर डील हम डन कर दें सर।
पक्की मैं तो बोला कर दो बिल्कुल अभी कर दो चलो आने वाला सही कह रहे हो 2 साल में कम से कम डबल हो जाएंगे। सर बोल रहे हैं कि इतनी अच्छी जगह है आप अभी जितने का ले रहे हो ना उससे दुगना पक्का है 2-3 साल में आपका डबल हो जाएगा। अच्छा है और सही है अच्छी जगह है दिखाया है सर ने मुझे सारा एरिया दिखाया मुझे भी काफी जगह पसंद आ रही है तो मैंने तो हाँ बोल दी है मैंने कहा ठीक है मेरी तरफ से डील डन है और बात हमारी लगभग पक्का है बस अब मेरे को साई देनी है और 25% देना है एक बार स्टार्टिंग में मुझे उसके बाद हम आराम आराम से 1.5-2 महीने का टाइम है हम कर लेंगे अपने आप तो मेरी तरफ से तो हाँ है। आप बताइएगा कमेंट करके आपको जगह कैसी लगी। लो आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा यहाँ का एरिया थोड़ा सा ये देखिए आप ये यहाँ पे थोड़े से ये तो खेत से है ये देखो आपको मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये देखो ये इस टाइप की रोड बनी हुई है ये जैसे ही हमारी रोड खत्म होगी तो सीधा हमारा हिसार शहर आ जाएगा है ना बिल्कुल नजदीक में ही है मेरे ख्याल से सर बोल रहे हैं 1.5 किलोमीटर मैक्सिमम है। अब देखो बिल्कुल टिपिकल जो मेरा मतलब सिटी है उसमें लेने का तो मेरा अभी ब्योत है नहीं इतना मैं नहीं अफोर्ड कर सकती क्योंकि यहाँ पे तो सिटी में तो आप देखोगे ना 40-40 लाख की जमीन मिलती है इतनी महंगी मिलती है ना सर काफी महंगा है ना अंदर हिसार में नहीं ले सकती पर हिसार के नजदीक में जैसे 1.5 किलोमीटर के एरिया में तो ले ही सकती हूँ इतना तो कोशिश कर सकती हूँ ना अपने बच्चे के लिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नजदीक में एक स्कूल भी है देखो कितनी नजदीक में कितना अच्छा स्कूल बना हुआ है ना ये देखिए कितना अच्छा स्कूल है और क्या बता रहे हो सर आप ये देखो सामने से निकलते ही लो हमारा हाईवे भी आ गया है और पहुंच गए हम अपना हिसार शहर तो बिल्कुल भी दूर भी नहीं है कि बिल्कुल अंदर हो और मेरे को तो अच्छा लगा जहाँ रह रहे हैं वहाँ से सारा 2 किलोमीटर पड़ता है। हाँ जहाँ हम रहते हैं उसे सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है तो मुझे तो सारी चीजें ना अपने फेवर में दिख रही है बाकी थोड़ी बहुत और बाकी चीजें सर से पूछ लेती हूँ मैं ऑफ कैमरा और फिर आपको बताती हूँ। तो अब सर ने मुझे यहाँ घर के इधर छोड़ दिया मैंने कहा मैं आगे अपनी ऑडियंस से बात करती करती चली जाऊंगी। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताती हूँ मैं प्लॉट देख के आई हूँ वो 7,000 रुपये गज है तो मैंने 111 गज का लिया है तो करीबन करीबन ये मेरे को लगा लो मोटा मोटा 7 लाख का पड़ेगा 7 लाख रुपीज़ का पड़ेगा ये प्लॉट मुझे। पर सर ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है उन्होंने मुझे बोला है कि ये अगर प्लॉट आपका 2-3 साल में 20 लाख का 20 लाख का तो ज़्यादा बोल रही हूँ बोले डबल का नहीं गया जितने का आप लोगे उससे दुगना का नहीं गया तो आप मेरा नाम बदल देना हम भी प्रॉपर्टी बिजनेस में हैं हमें पता है कौन सी प्रॉपर्टी आगे उठने वाली है क्या है। तो मैंने कहा ठीक है लगा देते हैं है ना। तो आप सोचोगे कि निधि के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे तो निधि के पास इतने पैसे नहीं हैं मेरे पास नहीं है इतने पैसे मैं पता है हमेशा ऐसे ही करती हूँ मेरे पास 2 रुपये होते हैं ना तो मैं 5 रुपये की चीज़ देखने बैठ जाती हूँ पता नहीं क्यों फिर मेहनत करती हूँ मुझे पता है कि अब मेरे पास एक टास्क आ गया है मैं बैठ ही नहीं सकती यार खाली मुझे इसके पैसे देने हैं कैसे दूंगी। मेरे पास अभी सच्चाई बता रही हूँ मेरे अकाउंट में मेरे पास कुल मिला के मेरे पास 4 लाख रुपये हैं आई थिंक सो शायद 4 लाख हैं नहीं है मुझे सोचने दो एक मिनट 4 लाख से थोड़ा कम 3.5 लाख रुपये हैं मेरे पास अभी खुद के पास मतलब 3.5 लाख रुपये मेरे हाथ में हैं और मैं 7 लाख रुपये की चीज़ पसंद करके आई हूँ अभी सिर्फ इस उम्मीद में कि निधि तू कर लेगी कुछ ना कुछ क्योंकि सर ने बोला है कि हाँ आप एक बार 25% जमा करवा देना उसके बाद जो बाकी पेमेंट है आप अपना 1.5-2 महीने का टाइम दिया है तो मैं बस अपना ये होगा अगले 1.5-2 महीने में मुझे मेहनत करनी है फुल ऑन इतनी मेहनत करनी है कि इस प्लॉट को जो मैं 111 गज का प्लॉट लेकर आई हूँ ना सिर्फ खरीदना ही नहीं है 4 दीवारी करके छोड़ना नहीं है घर भी बना के दिखा देना है मेरे बच्चे के लिए विहान के लिए बहुत सुंदर घर बनाऊंगी मैं देखना आप अभी सपने जो देखती हूँ ना निधि उसे पूरा करने का दम रखती है और मेहनत करती है और करती रहेगी जी। मैंने ना अभी काफ़ी देर घर जाके बैठ के अभी सोचा और मैं सोच रही हूँ कि मैं इस प्लॉट के लिए सर को ना बोलूँगी इसका कारण मैं अभी आपको बताती हूँ। हाँ ले तो मैं लेती लेकिन ना मुझे वहाँ पे ना थोड़ी बसत कम लगी है मतलब है लेकिन उतनी नहीं मैं सोच रही हूँ इसे बढ़िया थोड़ा
मतलब और देखते हैं, और एक दो तीन जगह और देखती हूँ मैं, अगर मिल जाए तो देखूंगी मैं, थोड़ा और देख रही हूँ। लेकिन वहां पे ना मुझे थोड़ा सा ना जैसे एक ना उदासी भरी, उदासी सी लगी वहां पे गई ना, वैसे मुझे एक मतलब रौनक सी नहीं लगी। और दूसरी चीज मुझे वहां पे लगी, एक तो ट्रेन बहुत नजदीक है, फाटक है बिल्कुल मतलब साथ में, तो पूरी रात दिन देखो ट्रेन जाएगी, मैं अपने छोटे बच्चे को वहां फ्रीली छोड़ नहीं सकती, समझ रहे हो आप? मेरे को ये चीज सोच रही हूँ मैं, अगर मैं वहां पे रहूंगी तो मेरा बच्चे का मुझे देखना पड़ेगा ना, ये चीज है। तो मैं सर से बात करती हूँ, उनको कहती हूँ कि मुझे थोड़ा और टाइम देके कुछ और जगह दिखा दीजिए, इसके लिए मैं अभी फोन पे उनको कहती हूँ। तो ठीक है, मैं निकली घर से, मैं आपको अपनी ये चीजें बताई है, रखी है, और आने वाले दिनों में मेरे को यही है कि मेरे को फटाफट एक प्लॉट लेना है, प्लॉट लेके डालना है और घर बनाना है, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा मेहनत करने लग रही हूँ। बस देखो एक दिन आपको जरूर वीडियो बना के बोलूंगी, इवन यहाँ पे भी मेरा कन्फर्म हो जाता, मतलब जगह, मतलब प्राइस वाइज देखा जाए, जगह देखा जाए ठीक था, लेकिन मतलब एक थोड़ा सा कुछ था ऐसा जो मतलब सही नहीं लगा मुझे, पता नहीं क्यों। मीन्स वैसे बेस्ट था, जगह भी प्राइस वाइज सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी तो बसत कम लगी। इसे बढ़िया तो किसी गांव में ले लूँ, कम से कम 4 लोग ऐसे दिखे पूरा प्रॉपर तरीके का, वो ज्यादा ठीक है। तो मैं कहती हूँ थोड़ा और मुझे देख के बता दे। तो इस वीडियो के यही एंड करती हूँ, और आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा अगर आप हिसार में हो तो, अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो या कुछ हो, थोड़ा सा बताइएगा जरूर। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।